17 सितंबर को महालक्ष्मी व्रत का आखिरी दिन। इस विधि से करें महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन। गजलक्ष्मी व्रत उद्यापन के दिन ना करें ये गलती, भोगने पड़ेंगे कष्ट ही कष्ट। नमस्कार दोस्तों, 3 सितंबर से महालक्ष्मी व्रत चल रहे हैं और बता दें कि कल 17 सितंबर को महालक्ष्मी व्रत का आखिरी दिन है। ऐसे में आज की इस वीडियो में हम आपको महालक्ष्मी व्रत की उद्यापन विधि के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ व्रत का समापन करते किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए उसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं महालक्ष्मी व्रत की उद्यापन विधि। महालक्ष्मी व्रत के समापन के दिन स्नान करके साफ कपड़े पहने एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर देवी लक्ष्मी की प्रतिमा विराजित करें और उनके सामने दीपक जलाएं। फिर 16 तार का डोरा लेकर उसमें 16 गांठ लगा लें। हल्दी की गांठ खिसकर डोरे को रंग लें और उसके बाद डोरे को हाथ की कलाई में बांध लें। इसके साथ ही व्रत उद्यापन के दिन एक सुपड़ा लेते हैं। इस सुपड़े में 16 श्रृंगार यानी सुहाग का समस्त सामान रखकर महालक्ष्मी जी को अर्पित करें। फिर माता लक्ष्मी की स्तुति और 40 गाएं। फिर धूप दीप फूल और चंदन के साथ देवी की आरती करें। इसके बाद देवी लक्ष्मी को फल और मिठाई का भोग लगाएं। इस दिन ब्राह्मणों और 16 जोड़ों को भोजन कराएं और चंद्रोदय होने पर उसको अर्घ्य देकर व्रत का समापन करें। फिर स्वयं भोजन ग्रहण करें। इस दिन रात्रि जागरण व भजन कीर्तन करें। बता दें कि इस दिन 16 दिए प्रज्वलित किए जाते हैं और पूजन के बाद इसे देवी लक्ष्मी जी को स्पर्श करवा कर दान करते हैं। आगे आपको बताते हैं व्रत का समापन करते किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत के उद्यापन के दिन नमक का प्रयोग ना करें। यहाँ तक कि व्रत का समापन करने के बाद भी नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन माता लक्ष्मी को भोग लगाते समय ध्यान रहे कि भोजन में लहसुन प्याज का प्रयोग ना हुआ हो। इसके अलावा माता के साथ साथ उन सभी को भी भोजन करवाना चाहिए जिन्होंने व्रत किया है। भोजन में पूड़ी खीर और दही आदि विशेष रूप से होना जरूरी होता है। पूजा के बाद माता को भोग लगी हुई थाली गाय को खिलाते हैं और चढ़ा हुआ श्रृंगार का सामान किसी बड़े को देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस दिन जो भी वस्तु चाहे वो फूल हो, श्रृंगार का सामान हो या फिर मिठाई हो, उसे 16 संख्या में अर्पित करना चाहिए। कुंडली टीवी डेस्क से तानिया की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।